उनकी पहचान बन चुकी थी, आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है। सत्य से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, भाई आप हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं, वो अभी अंतिम दम तक जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया, वो कहता साहब मैंने नहीं किया है, फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई है। तो यही कहते हैं ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है, और इसीलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है, और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूँगा कि जिस ईमानदारी और शिष्टतापूर्ण तरीके से आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, यह नियुक्ति एक नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने की